यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। इस वर्ष घोषित 10वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प के छात्र हर्ष कुमार ने 91.83% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त प्रभात पांडे ने 91.50%, आयुषी सिंह 91%, धीरेन्द्र मौर्य 90.33%, आकाशदीप 90%, पूजा सहित संजना चौरसिया, निकिता गौतम, श्रुति मिश्रा आदि ने भी अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 12वीं के छात्र विशाल यादव ने 89.80% अंक प्राप्त कर संस्था का मान बढ़ाया। संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चौरसिया ने बताया कि वर्ष 2022 की 12वीं एवं 10वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार सफलता प्राप्त की है। संकल्प के सभी 1253 विद्यार्थी इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। संस्था के विद्यार्थियों ने लगातार 21वें वर्ष यूपी बोर्ड की 12वीं एवं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की ये आशातीत सफलता संकल्प के शिक्षकों और विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने संस्था के मेधावी छात्र छात्राओं को मिष्ठान खिलाया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक डॉ. अजय चौरसिया, संजय भगत, अमन श्रीवास्तव, पशुपति झा, शैलेंद्र सिंह, अभिषेक वर्मा, रितेश श्रीवास्तव आदि शिक्षक भी मौजूद रहे। वहीं आईआईटी, जेई, नीट तथा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12वीं की सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड की रेगुलर एवं फाउंडेशन की कक्षाएं आगामी 21 जून से संकल्प ट्यूटोरियल्स की सभी शाखाओं में आरंभ होने की जानकारी दी गई। पिछले 20 वर्ष की भांति इस वर्ष 21वीं साल भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में और 10वीं में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार सफलता अर्जित की है। अभी रिजल्ट अभी चेक हो रहा है, अगले 1.5 घंटे में फाइनल वो परिणाम अभी आप सबके सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, संकल्प के सभी 100% विद्यार्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुए हैं। उनके आगे की भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, संकल्प ट्यूटोरियल्स अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। हम अपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग भी करते हैं और भविष्य में उनके आगे के करियर के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या स्कोप हो सकते हैं, चाहे वो बीएचयू की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे आईटीजेई है, नीट है, इन सब में आगे हमारे विद्यार्थी जो उनका जहाँ जिस क्षेत्र में रुचि है वो अपनी रुचि के अनुसार अपने सही फील्ड का चयन कर सकें और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कोचिंग के बारे में तो ये कहना चाहेंगे, काफ़ी अच्छी कोचिंग है, मतलब सभी के लिए अफोर्डेबल है, मतलब जो मीडियम है या फिर जो हाई लेवल की है उन सबके लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो मतलब व्यवस्था वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। सारे टीचर्स जो हैं साइंस साइड के चाहे किसी भी साइड के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस सब कुछ उस पर 80% डिपेंड करता है बच्चे पर कि वो कितना करता है, और वगैरह एजुकेशन वगैरह तो सब कुछ बहुत अच्छा है। आगे क्या करने का इरादा है? आगे 12th के बाद नीट प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे थे, तो आगे डॉक्टर्स में जाके या फिर मेडिकल लाइन में जाके अपने सर्वाइव सर्विस कर सकते हैं, मतलब जनता का और थोड़ा सेवा करने का। तो मतलब कि मेरा रिजल्ट आ जाए, हम बहुत खुश हैं अपने नंबर से, और हमको अब आगे नीट की प्रिपरेशन करनी है। और संकल्प का ही नाम, यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ के सर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हर एक सर, जैसे कि फिजिक्स के जो सर हैं हमारे योगेश सर, वो इतने ज़्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट किए हैं कि हम लोगों का प्रोत्साहन बहुत वो बढ़ा है। और अपनी जगह सारे सब्जेक्ट के सर, वो हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट किए हैं। यहाँ पे कोई सर कोई का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या किसको श्रेय देना चाहोगी आज? आज हम पूरे संकल्प को श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के सर लोग इतना ज़्यादा हम बच्चों को अप्रिशिएट किए हैं कि हम लोगों में मतलब कि जब मोटिवेट अजय सर, सारे सर का बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। हम भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करके उसका जो नीट का जो वो है एग्ज़ाम, उसको क्रैक करना चाहते हैं।